हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आपने देख लिया कि आपको जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है कैसे ऑनलाइन देना है आपने देख लिया होगा। जितने भी JNU BHU जामिया और DU वाले हैं सब ने देख लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है MA हिंदी के लिए जो 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास चल रही थी, तो हम दोबारा से उसे कंटिन्यू करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको JNU BHU जामिया और DU से आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले हमारे हिंदी साहित्य चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो जाती है। तो जिसको आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना है, समझ गए। तो शुरू करते हैं अपने फिर हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न MA हिंदी साहित्य के लिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपके MA हिंदी 2021 के लिए एडमिशन ले रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं अपने फिर हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे हिंदी साहित्य के लिए हैं। हिंदी साहित्य के लिए 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेंगे। देख लेते हैं हमारे क्या हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताने का कष्ट करें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन हैं? आपको ये बताना है पंक्ति किसकी है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पेपरों में पूछी जाने वाली रहेगी, तो आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर हो जाएगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ए रैदास, बी मलुकदास, या गुरु नानक दास, या डी कबीरदास। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा किस पे चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रैदास की पंक्तियां हैं ये, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, पंक्ति दी हुई है आपको, इसमें पंक्तियों में बताना है किसकी पंक्ति है। जाकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतेसी। तो ये आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूरदास, बी मीराबाई, या सी तुलसीदास, या डी गिरिधर। तो इसका सही विकल्प बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दो का हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, ये जो पंक्ति है हमारी, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो हमारी पंक्ति है ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर, प्रेमचंद्र प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, अज्ञ जी, या यशपाल जी। तो तीसरे का आपका जो सही विकल्प चला जाएगा प्रेम पच्चीसी, जो कि आपको बता दूं मैं प्रेमचंद्र जी की है, याद रखनी है प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? प्रेम सागर के लेखक कौन हैं आपको इसका आंसर बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर बताइए, ए इंशाल्लाह खां, या बी लल्लू लाल जी, या सी प्रेमचंद्र जी, या डी मुंशी सदासुख लाल जी। तो चौथे का हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल जी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आपका पांचों जो प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास की किसकी रचना है, त्यागपत्र उपन्यास जो है आपका किसकी रचना है आपको बताना है। प्रेमचंद्र जी, बी जैनेन्द्र कुमार जी, या सी अज्ञ जी, या डी फणीनाथ रेणु। तो पांचवे का हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्यागपत्र, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी का है। क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों चल रही है, आपको इसके अंदर इसका प्रश्न बताना है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, पंक्ति बोल रहा हूँ दोस्तों, ये हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है आपको बताना है जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, आप राइटिंग पे मत जाए, राइटिंग पे मत जाना, क्वेश्चन की डिमांड पे देखना, क्वेश्चन जो इसमें मैं आपको करा रहा हूँ उन पर देखना, कितने मस्त क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने की पूरी पूरी संभावनाएँ रखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, अज्ञ जी, या महादेवी वर्मा जी। तो हमारा छठे का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा पंत जी, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियों में, महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका जो सातवां प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है आपको बताना है।
आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख के बताइए, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी या केशवदास जी। तो करेक्ट आंसर बताइए सातवें का क्या हो जाएगा। अगर आपने तुलसीदास जी पे लगाया है तो एकदम करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। मानस का हंस के लेखक कौन है, आपको बताना है। प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या अमृतलाल नागर जी। तो चारों में से करेक्ट आंसर जो आपका चला जाएगा अमृतलाल नागर जी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सरदार पूर्ण सिंह जी, बालकृष्ण जी, प्रताप नारायण मिश्र जी या रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। कलम का सिपाही क्या है, आखिर किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, रेखाचित्र है या संस्मरण है या जीवनी है। तो हमारा 10वें का करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी पर, किस पे, जीवनी है। कलम का सिपाही एक तरह की जीवनी है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है दोस्तों, 11वां प्रश्न आ गया। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, बंग महिला, सत्यवती या आपका चंद्रकिरण या डी चंद्रकांता। तो 11वें का सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर। गोदान किसकी कृति है बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु जी की, प्रेमचंद्र जी की या आज्ञा जी की या डी जयशंकर प्रसाद जी की। तो गोदान जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा प्रेमचंद्र जी की है। क्वेश्चन नंबर 13वां आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मुद्राक्षस या बलराज पंडित या डी तनवीर जी, हबीब तनवीर जी या डी नाग बोर्ड डस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, तो 13वें का जो हमारा करेक्ट आंसर है इसके अंदर बता दो दोस्तों, सी हबीब तनवीर जी, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है ये आपका, मैं बता दूं 14वां क्वेश्चन है आपका ये। कस्तूरी मंडल बेस के आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है दोस्तों आपको बतानी है। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा 14वें का, मैं बता दूं आपको, मैत्रेय पुष्पा जी पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां आपकी स्क्रीन पर है। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, आपको बताना है इसके अंदर किस नाम से पुकारा जाता है। तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 16वां आपकी स्क्रीन पर है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, पुष्पतंत्र जी, सूरी जी या धनपाल जी या स्वयंभू जी। तो 16वें का हमारा सही विकल्प है इसके अंदर डी, स्वयंभू जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके चल रहे हैं, चदंबरदाई किसके दरबारी कवि थे, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। महाराज हमीर के, बिसलदेव के या महाराणा प्रताप के या डी पृथ्वीराज चौहान के। तो 17वें का हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 18वां आपकी स्क्रीन पर है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, सेनापति को, चिंतामणि को, मतिराम को या केशवदास को। तो 18वें का सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास जी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका जो 19वां प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, बताना है किसके नाम पर हुआ है। शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो 19 का सही विकल्प चला जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी पर, किस पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 20वां आपका हैगा। हिंदी प्रतीक के यशस्वी संपादक का
नाम कौन है इनमें से यशस्वी संपादक हिंदी प्रदीप के? ऑप्शन आपके सामने है गोस्वामी जी, बालकृष्ण भट्ट जी, अंबिका दत्त व्यास जी या प्रिया द्विवेदी जी। प्रिय द्विवेदी, तो 20वें का सही विकल्प चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी प्रदीप का यशस्वी संपादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पर है, कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं? बताइए कौन नहीं है। सुंदरदास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, नारायण चतुर्वेदी जी या शांति प्रिया द्विवेदी जी। तो 21 का सही विकल्प चला जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी जी, इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा, ये इसके नहीं हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है ये आपका, उसने कहा था कि मुख्य पात्र हैं कौन हैं, इसमें जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23वां जो है आपका होमवर्क का क्वेश्चन मान लीजिए, या कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट का क्वेश्चन से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? देख लीजिए आपका क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे चाहता हूँ। बताइए कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट में उत्तर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।